दोस्तों आप तमाम का खैर मकदम है, वेलकम है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। आज हम यहाँ पर आए हैं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स की फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम चल रहा, वो प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं। बड़े बड़े स्कॉलर्स है जो अपना पैगाम दे रहे हैं, हम देखेंगे हमारे आज के इस व्लॉग में। नमस्कार, నేను డాక్టర్ వేణుగోపాల్ కృష్ణ. ఒక మనిషి ఇంకో మనిషితో ఎంత ప్రేమగా సఖ్యతగా ఉండాలి, ప్రేమను పంచుకోవాలి, దానికి కులాలు మతాలు అతీతమని వారు తెలియజేశారు. అట్లాగే మన భారతదేశంలో కూడా వారి ఈ హర్ ఏక్ కే లియే మర్సీ థే, హర్ ఏక్ కే లియే రహమత్ బన్ కర్ భేజే గయే థే. జబ్ భీ వో కిసీ కో పరేషాన్ హాల్ దేఖ్ కే వో దుఃఖీ హో జాయే కర్తే థే. और यहाँ तक आपको अल्लाह रसूल ने फरमाया कि अगर कोई जिन्नात के पास उसकी आयादत के लिए जाता है सिरात मुस्तकीम सोसाइटी की जानिब से फ्री फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम यहाँ पर मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौके पर यहाँ पर हम लोग फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसी का ये ब्लॉग रहेगा। दोस्तों ये हमारे राकेश भाई है, बहुत सपोर्ट करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम रहता यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम इनके सपोर्ट के बगैर कर ही नहीं सकते, बहुत अच्छे सपोर्टिव है। क्या बोलते राकेश साहब, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? सक्सेस, थैंक यू। दोस्तों हमारा सारा यूथ सदर फाउंडर ईशान साहब ब्लड डोनेशन में बड़ा अच्छा काम है इनका, आज ये भी हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लग रहा, कैसा लग रहा ईशान भाई आपको ये फ्लू डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिलादुन्नबी का जश्न है उस जश्न में जो मरीजों को आज फ्लू डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, लोगों के चेहरे में खुशी दिखी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने वाले तकरीबन जो है गरीब लोग रहते हैं, गरीब तबके वाले रहते हैं, उन लोगों को उनकी हिम्मत अफजाई के लिए फ्रूट्स वगैरह देने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की कुछ झलक पूरी अख्वाम के सामने पेश करे, दुनिया के सामने पेश करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ पीस एंड मर्सी थे, सबके लिए रहमत बना कर भेजे गए थे। ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले की ज़िंदगी का नुमाया वस्फ और नुमाया इम्तियाज़ ये था कि आप बीमारों की इयादत किया करते थे, गरीबों की दस्तगीरी किया करते थे, मोहताजों की मोहताजगी को दूर करने की फ़िक्र किया करते थे, और ये इंसानियत के काम हैं और बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत। तो गाइस लगभग 350 से ज़ायद पैकेट्स हम यहाँ पर तकसीम कर चुके हैं। अभी यहाँ का एक हॉस्पिटल तो कम्प्लीट हो गया, इसी तरह निर्मल का और एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर भी जाकर क्या करेंगे बोले तो।